हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है 15 अगस्त। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर कल मेरे यहाँ छोटा सा सदस्य आया, नन्हा सा मेहमान आया है, जो फ़िश होता है, ये छोटा बाउल वाला फ़िश कैंड कह सकते हैं वो है। इसमें 4 मछलियाँ हैं जो कि कल हम लोगों ने शाम में लेकर के आए हुए थे। एक नन्हा सा नया सदस्य घर में आ गया है। अच्छा लगता है, मछलियाँ पालना भी सही होता है, बस केयरिंग करने की ज़रूरत होती है और कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बहुत सुंदर लग रहा था, इस तरीके का बाउल का था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो प्रिंसी की पसंद थी तो मैंने एज अ मैंने ख़रीदा इसको और अपनी बहन को मैंने ये गिफ्ट किया है। तो ये मेरे यहाँ एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान फ़िश कैंट बाउल बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ आ गए हैं किचन में और प्रिंसी निकाल रही है इस वक्त मलाई से घी। तो ये मार्केट की मलाई, हम लोग मार्केट से मलाई लेते हैं और घर पे ला करके इस तरीके से घी निकालते हैं। पापा बाहर से मलाई लेके आते हैं, बना बनाया घी नहीं लाते मार्केट वाला, क्योंकि उतना शुद्ध नहीं माना जाता है। इस वजह से घर पर मलाई को ख़रीद के ला के उससे घी निकाल के शुद्ध घी प्राप्त आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मैं काट रही हूँ काजू और बादाम, क्योंकि आज खाने का मन है सेवई, क्योंकि आज ऐसे भी खास डे है, 15 अगस्त है, तो कुछ मीठा होना चाहिए। तो आज नाश्ते में सब लोग सेवई खाएंगे, मीठा बन रहा है और साथ में पराठा सब्जी रहेगी। तो ये रहेगा सुबह का नाश्ता। तो यहाँ पे सेवई मैंने भूज लिया है, मार्केट से ये पाउच आता है, तो इसको भूजा है मैंने घर पे और मखाने ले लिए और दूध मैंने चढ़ा दिया था। तो यहाँ मैंने लगभग 1 लीटर दूध के थोड़ा सा कम है, तो 1 लीटर के लगभग दूध होगा ये। और इसमें मैंने इलायची 2 से 3 डाल दिया है। शुरू में ही इलायची डाल देते हैं, जब बॉयल होने लगता है तभी इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। तो इलायची सबसे पहले मैंने डाला था, इसके बाद मैं चीनी इसमें ऐड करूँगी। तो 1 कटोरी चीनी मैं डाल दूँगी इसमें, इसके बाद इसमें जो मेवे वगैरह मैंने काट के रखे हैं वो इसमें ऐड कर देंगे हम लोग, क्योंकि दूध बॉयल होने के बाद इतना सब एक साथ आप डाल देंगे तब दूध फटने का डर नहीं रहता है। अदरवाइज़ आप पहले से चीनी वगैरह मिलाते हैं तो दूध फटने का डर रहता है। इसके बाद मखाने वगैरह इसमें मिला देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर मखाने नहीं तो ड्राई फ्रूट्स ही आप मिला सकते हैं। तो मखाने ज़्यादा पसंद होते हैं और मखाने में बहुत पौष्टिक तत्व पाया जाता है, इस वजह से मखाने वाली सेवई जो होती है वो ज़्यादा पसंद आती है। तो उसके बाद जो सेवई है, जब हमारा दूध इस तरीके से बलकने लगेगा तो इसमें सेवई डाल देंगे जो मैंने भून के रखा हुआ था। उसके बाद फिर आपको 5 मिनट चलाना है और आपकी सेवई बन के हो जाएगी रेडी। देखिए मेरी सेवई बन, तो इधर मेरे बच्चे हो गए हैं रेडी, क्योंकि आज है 15 अगस्त और इंडिपेंडेंस डे, जिसमें बच्चों में खासा उत्साह रहता है। और मैं बच्चों को इसके बारे में बताती हूँ कि क्या होता है 15 अगस्त, हमारा देश आज़ाद हुआ था आज के दिन, सारी चीज़ें बताना भी ज़रूरी है। और स्कूल वगैरह रहता तो रिद्धि चली भी जाती थी स्कूल, लेकिन अब लॉकडाउन में स्कूल वगैरह बंद है तो इस तरीके से चल रहा है इन लोगों का फ़ोटोशूट वगैरह। और मैंने एक्टिविटीज़ भी करवाई थी बच्चों से। 15 अगस्त में बच्चों को एक्टिविटीज़ कराना ही चाहिए, अदरवाइज स्कूल वगैरह में तो कंपटीशन वगैरह भी रखे जाते हैं आर्ट के। तो रिद्धि को पेंटिंग करना और टुकटुक को भी बहुत पसंद है। टुकटुक तो अभी 2.5 साल की है, एडमिशन नहीं कराया है मैंने और इस लॉकडाउन में कोई स्कूल तो जा नहीं रहा है, लेकिन इस तरीके से वाटर कलर दोनों को ही ज़्यादा पसंद है, मोम कलर नहीं पसंद है। तो यहाँ पर रिद्धि फ्लैग कलर कर रही हैं यहाँ पर, और ख़ुद से रिद्धि ने बनाया है फ्लैग और टुकटुक अपने मन पसंद कलर भरी जा रही हैं। तो बच्चे सुबह ही नहा करके मैंने फिर हम लोगों ने जो राष्ट्रगान होता है वो कराया था, और उसके बाद फिर ये फ़ोटोशूट वगैरह किए और फिर उसके बाद मैं ये एक्टिविटीज़ वगैरह करा रही हूँ। सुबह बच्चों को नाश्ता मैंने कराया था, फ्रूट्स खाए हुए थे और दूध पिए थे। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट लंच करेंगे, तो पेंटिंग वगैरह जो एक्टिविटीज़ वगैरह हो जाती है इसके बाद बच्चों को लंच वगैरह मैं कराऊँगी। तो इधर रिद्धि की पेंटिंग हो गई है पूरी, मैं बाहर आ गई थी तो बाहर लेकर के आई मुझे दिखाने के लिए, तो इन्होंने पेंटिंग कर ली। और यहाँ टुकटुक महाशय भी खड़ी थी बाहर अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए, तो रिद्धि ने तो अपनी पेंटिंग दीवार पे चिपका ली है, क्योंकि बच्चों में ये होता है ना, अगर कुछ बनाते हैं तो उनको चिपकाने का मन करता है। तो यहाँ पर टुकटुक भी अपनी पेंटिंग इस दरवाजे पर चिपका रही है, बहुत ज़िद कर रही थी, मैं कह रही थी बाहर चलो दीवार पर चिपकाते हैं, लेकिन नहीं, उनको इसी दरवाजे पर ही चिपकाना था। तो फिर मैंने उसकी मदद की और पता नहीं क्या क्या उसने बनाया है, ये पेंटिंग बच्चे ही समझ सकते हैं कि क्या बनाई अपनी पूरी कलाकारी इस पेंटिंग में टुकटुक ने अपनी उतार दी है। और ये देखिए क्या एक्शन, क्या एक्टिंग इनकी चल रही है। तो इस तरीके से बच्चे कर रहे हैं मेरे सेलिब्रेट 15 अगस्त को, और
इस तरीके से चल रहा है। तो इधर शाम के 4 बज गए, हम लोग खेल रहे हैं लूडो। तो लूडो बहुत ही साथ देता है इस लॉकडाउन में। मोबाइल वाले लूडो से ज़्यादा मुझे इस तरीके के लूडो खेलने पसंद है। और मैं बहुत बुरी तरीके से हार रही थी, लीड में प्रिंसी चल रही थी, फर्स्ट में ऐसा चल रहा था और भाभी भी जीत रही थी, मैं ही हार रही थी। तो हम लोग फ्री टाइम में यहाँ पर खेल रहे हैं लूडो, बहुत दिनों बाद हम लोग खेल रहे हैं लूडो। कभी कभी मन कर जाता है कि हाँ लूडो खेल लेते हैं, तो आज वही मन कर रहा था। और अब शाम के 7 बज चुके हैं, पापा मार्केट गए थे, थोड़ा सामान वगैरह लाए थे, सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह। तो मैंने इसे सैनिटाइज करके, मतलब धुल करके सब्ज़ी वगैरह साइड में इस तरीके रख दी हूँ ताकि पानी उसका अच्छे से झड़ जाए। उसके बाद इसको हम लोग फ्रिज में रख देंगे। तो इस तरीके से मैं सैनिटाइज करती हूँ, हर चीज़ अलग अलग तरीके से रखती हूँ। तो इधर रिद्धि कर रही है स्टडी, और 7:30 बजे वो स्टडी करने बैठी हैं। आज लेट भी हो गया है, काफ़ी उधम मचाया जा रहा था। वैसे तो अदरवाइज़ 6 बजे बैठती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आज 7:30 बज रहा था। 7:30 मतलब मेरा बोलने का मतलब है 7:30 हो रहे हैं। तो इधर चल रही है ब्रूनो की मस्ती। एक्चुअली पापा बोन्स वगैरह लेके आए थे, पेडिग्री वगैरह लेकर के आए थे जो डॉगीज़ के लिए होता है, और बिस्किट वगैरह। तो ये जो मीट का बोन्स होता है, मिक्सअप होता है, कैल्शियम से युक्त रहता है, फ्लेवर बस मीट का होता है। तो ये ब्रूनो को काफ़ी पसंद आ रहा था और सब उससे छीन रहे थे। तो वो इधर उधर ले के कभी उस रूम में, कभी चेयर के नीचे, कभी बेड के नीचे इस तरीके से एक्टिविटीज़ कर रहा था। तो बहुत क्यूट लग रहा था और वो किसी को भी ये बोन्स देना नहीं चाह रहा था। तो अगर घर में आपके पेट्स हैं, अगर छोटा डॉगीज़ है, तो इस तरीके के मार्केट में अवेलेबल रहते हैं डॉगीज़ के लिए जो शॉप्स होते हैं, वहाँ पे ये सब आपको इजीली मिल जाएगा। पेडिग्री और बोन्स वगैरह होते हैं, और ये मीट्स के बोन्स हैं जो कि कैल्शियम युक्त रहते हैं, डॉगीज़ के हेल्थ के लिए भी और उनके टीथ के लिए भी होता है, स्किन के लिए भी बेस्ट रहता है। तो चलिए, सारा दिन इस तरीके से निकल गया। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।